हेलो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे ट्रिक जिनकी मदद से आपने जितनी भी तैयारी की हो सीबीएसई सी बोर्ड एग्जाम के लिए उतनी ही तैयारी में मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सको जिसमें से सबसे पहला ट्रिक अपने पास कि जो आपको आता है पहले उसे अटेंड करना है जो क्वेश्चन आपको आते हैं जिन क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं आपको पहले उन्हें लिखना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और क्वेश्चन का मेजोरिटी पार्ट अटेंड भी हो जाए तो जैसे ही आपने जो आपको आता है जल्दी जल्दी उन्हें अटेंड कर लिया मान लो कि आपके पास पैंतीस क्वेश्चन आएंगे 35 में से अगर आपको 20 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता लेते 15 क्वेश्चन आपको पहली बार में समझ नहीं आए तो जैसे आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और अगला जो 15 क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट ट्रिक के हिसाब से करना है अगर आपने इस ट्रिक के हिसाब से किया तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता तब भी आप कम से कम तीन नंबर में से डेढ़ नंबर लेकर निकलोगे तो इस ट्रिक को ध्यान से सुनते रहना ताकि आपको समझ में आए कि कैसे मुझे जो क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं आता उसमें भी नंबर गोल कर सकूं सको तो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता मान लेते हैं पंद्रह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे तो जो पंद्रह क्वेश्चन होंगे या तो वो क्वेश्चन होंगे थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे या फिर वो न्यूमेरिकल होंगे राइट दो ही टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं हमको तो अब इन दोनों में क्या अप्रोच लगाना ताकि आपको ना आते हुए आप सीबीएसई बोर्ड में नंबर गोल कर सको तो वो है अपने पास देखो पहले तो मैं आपको न्यूमेरिकल के बताता हूँ न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं आता आपको तो सबसे पहले क्या करोगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ोगे दोबारा और उसमें से जो जो चीज गिवन है वो लिख दोगे जैसे कि क्वेश्चन में वेवलेंथ गिवन था तो देख देख के लिख दिया बस क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसी को लिखना है वेविल लिख दिया डिस्टेंस लिख दिया थीटा लिख दिया जो चीज गिवन है क्वेश्चन में उसी को उतार दिया गिवन लिख के अलग से गिवन लिखना है ऐसे करके गिवन लिखना है और फिर जो जो क्वेश्चन में दिया उसको उतार देना है और दूसरा काम उस चैप्टर से रिलेटेड या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आपको याद आ रहा है उस फॉर्मूले को लिख देना अगर एक फॉर्मुला याद आ रहा है एक फॉर्म लिख देना है दो फॉर्मुला याद आ रहा है दो फॉर्मुला लिख देना है कम से कम एक दो फॉर्मुला उस टॉपिक से उस चैप्टर से रिलेटेड आपको लिख के आ जाना है इतना अगर आपने काम कर दिया तो देखो बोर्ड जो है वो स्टेप मार्किंग है और स्टेप मार्किंग के बेनिफिट्स हमको उठाने तो बेनिफिट्स कैसे उठाएंगे कि अगर ये क्वेश्चन तीन नंबर का है न्यूमेरिकल तीन नंबर का था तो आपको आधे नंबर तो गिवन के मिल जाएंगे और एक नंबर फॉर्मूले के मिल जाएंगे डेढ़ नंबर तो वैसे ही मिल गए भले आप इसको आगे सॉल्व करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता तो गिवन और फॉर्मूले के नंबर होते हैं बिल्कुल भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना अगर आपको नहीं आता तब भी आप गिवन और फॉर्मुले लिख के आओगे उसमें उसके बाद अगर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो थियोटिकल क्वेश्चन कैसे अटेंड करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है क्वेश्चन पढ़ो आपने जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको याद क्या करना है कि, कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है आपको सबसे पहले याद करना है चैप्टर याद किया चैप्टर के बाद याद करो कि वो किस टॉपिक का क्वेश्चन है उस चैप्टर में जैसे मैं अगर बात करूँ कि कोई क्वेश्चन आया जो कि फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स में किस टॉपिक का क्वेश्चन है प्रिज्म का है टेलीस्कोप का माइक्रोस्कोप का किस टॉपिक है और जैसे आपको टॉपिक समझ में आ जाए तो आपने जो उस टॉपिक में पढ़ा है जो भी आपने उस टॉपिक में पढ़ा है वही चीज आपको लिख के आ जाना है बिल्कुल भी खाली छोड़ के नहीं आना है जो भी आपको आता है वो आपको लिख के आना है जैसे कि टीआर का क्वेश्चन टीआर में आपने क्या पढ़ा है कंडीशन पढ़ा है तो कंडीशन लिख दो आपने उसका फॉर्मला अगर ऑल द पूछा नहीं गया टीआर की कंडीशन लिख दो फॉर्म लिख दो जो भी आपको याद आ रहा है जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वो आपको लिख के आना है अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि उल लिख देना ये नहीं चैप्टर सेवन का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर नाइन डाल दिया जिस चैप्टर का क्वेश्चन है जिस टॉपिक का क्वेश्चन है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है वो आप लिख के आ जाओगे देखो तो बोर्ड का रूल है कि अगर बच्चे ने लिखा है तो स्टेप मार्किंग के तहत तो उसको नंबर मिलेगा जरूर अगर ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल दो नंबर का है तो बच्चे ने अगर कुछ भी लिखा है उस चैप्टर से उस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको एक नंबर जरूर मिलेगा देखो तो बोर्ड एग्जाम जो है वो स्टेप मार्किंग पर काम करता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आपने गलत भी लिख दिया है तो भी आपके नंबर नहीं काटेंगे बल्कि अगर गलती से भी सही हो गया वो तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे और एक और चीज़ बता दू अगर क्वेश्चन का मिसप्रिंट हो जाए बोर्ड एग्जाम में और बच्चे ने क्वेश्चन पेपर में आंसर को अटम कर रखा है तो उसके सिर्फ अटेंड करने के भले ही पूरा हो उसके सिर्फ अटेंड करने के पूरे नंबर मिलेंगे तो यह है दो बेस्ट ट्रिक जो कि आपको लास्ट टाइम पे अप्लाई करना चाहिए पहले तो जो आपको आता है उसे लिखना चाहिए और दूसरा एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है न्यूमेरिकल में गिवन ऑफ हॉम लिख के आना है और थ्योरी में जितना आपको आता है उस टॉपिक से रिलेटेड वो लिख के आ जाना है तो यह है बेस्ट दो ट्रिक जो कि आपको अप्लाई करना चाहिए लास्ट मोमेंट पे ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सको और हाँ रिजल्ट वाले दिन सबको चौका सको कितने नंबर आए तो आए कैसे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय